हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द नून एकेडमी। हेलो मयंक, हाय प्रथमेश, हाउ आर यू? वेलकम टू द नून एकेडमी। इस नए ग्रुप पे आप सभी का स्वागत है। हाय जयेश, हाय आर्यन। ठीक है, तो चलो बच्चों, आज हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th लेसन नंबर 1st, दैट इज द लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे रिवीजन। जल्दी से आ जाइएगा। प्रांजला जी, एमसीक्यू नहीं है बेटा, ठीक है, एमसीक्यू नहीं, रिवीजन स्टार्ट करने वाले, ठीक है, बाद में लेंगे एमसीक्यू, ठीक है, बाद में एमसीक्यू लेंगे बेटा, ठीक है, बाद में एमसीक्यू हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, डोंट वरी। ओके ओके विशाल, चलो चलो बच्चों जल्दी से आ जाओ, ठीक है। नया ग्रुप है तो बच्चों को थोड़ा सा यहाँ पर समय लग सकता है आने के लिए, ठीक है, सो हम थोड़ा सा वेट करेंगे। सेकंड टर्म की रिवीजन नहीं बेटा, सेकंड टर्म की नहीं, हम पहले से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, पहले से हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, पहले से हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं। और यह रिवीजन हमारी लगभग 20 या 25 दिन तक चलेगी। हाँ प्रांजल, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं, ठीक है, एक्सरसाइज भी करने वाले हैं। आपको अगर पता होगा तो लॉज ऑफ मोशन की एक्सरसाइज हमने वहां पर देखी थी ना, और उसी के बाद हम बात कर रहे थे वर्क एंड एनर्जी की भी क्या हुआ था, हमने एक्सरसाइज देख ली थी। हाँ आने दीजिए ना, बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड टर्म तो इतना बड़ा नहीं है, सेकंड टर्म को तो हम इजीली कर देंगे, ठीक है, डोंट वरी, सेकंड टर्म इतना बड़ा नहीं है, ठीक है, मैंने सारा सिलेबस आपका एक महीने में कवर कर दिया, ठीक है, तो आप एक काम करो, तो ये चीजों को समझो, ठीक है, समझ कर चलो, ठीक है, चलो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्लास 10th के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो, ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपको क्लास 9th का एग्जाम देना है, ठीक है, आप ये मत सोचो कि आपको क्लास 9th का एग्जाम देना है, ठीक है, क्लास 9th का एग्जाम आपका होगा, ठीक है, और इतने आसान आसान क्वेश्चन आएंगे ना, देख लेना, ठीक है, बिल्कुल स्कूल में ही क्लास 9th का एग्जाम होता है, ठीक है, स्कूल वाले इसे प्रिपेयर करते हैं, तो वहां पर इतना टेंशन की बात नहीं है, ठीक है, ठीक है, वैसे भी क्या होने वाला है, जो स्कूल के है ना, वही क्वेश्चन पेपर को प्रिपेयर करते हैं, तो इतनी वहां पर टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कि क्लास 10th के हिसाब से पढ़ेंगे, ठीक है, ओके ओके, और ठीक है, और जिनको भी पुराने वीडियो देखने हैं ना, वो एक काम करे, ठीक है, जो हमारा दूसरा ग्रुप है ना, ठीक है, हमारा जो दूसरा ग्रुप है ना क्लास 9th के लिए, आपने पहले ज्वाइन किया था, उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे, ठीक है, उस पर आपको वो वीडियो मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, अगर आपको देखने हो तो, ठीक है, और आज से हम रिवीजन स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है, और रिवीजन एकदम आसान होने वाला है, क्योंकि हमने पहले ही सारी चीजें देख ली है, एमसीक्यू भी हमने देख लिया है, ठीक है, सिर्फ हमें एक ही चीज यहाँ पर करनी होगी, आप ध्यान से सुनना होगा, ठीक है, ध्यान से सुनने के बाद आप इजिली किसी भी चीज का आंसर यहाँ पर दे सकते हो, ठीक है, इतनी डिफिकल्ट वाली चीजें यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, ओके चलो स्टार्ट करेंगे, ओके प्रांजल जस्ट मिनट स्टार्ट करेंगे। हाँ अंकित बेटा, स्टूडेंट कम है, क्योंकि ये नया ग्रुप है ना, ये नया ग्रुप है ना, इसके वजह से स्टूडेंट यहाँ पर कम है, नया ग्रुप है ना, चलो चलो आज हम बात करने वाले हैं मोशन के बारे में, सबसे पहला टॉपिक, ठीक है, हमारे चैप्टर का नाम ही लॉज ऑफ मोशन। मोशन का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन को चेंज करता है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह जाता है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे, क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे। कोई भी चीज अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है विथ रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में, अगर वो कोई अपनी चीज अगर अपनी पोजीशन को चेंज करती है, तो उसे हम क्या कहेंगे, मोशन कहेंगे,
ठीक है, तो चलो देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहां पर हमने रखा हुआ है, ठीक है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट था, हमने क्या कर दिया, इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से ढकेल दिया। ढकेलने के बाद ये ऑब्जेक्ट चला गया यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरीके से चला गया तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें मोशन आ गया, ठीक है। अब देखो कि जब हम मोशन कब कहेंगे, देखो यहाँ पर एक हमारी, मान लीजिए हमारी एक लैंड है, जमीन है, ठीक है। और इसके हिसाब से, ये इसके हिसाब से क्या हुआ कि इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजिशन चेंज की। पहले वो यहाँ पर था, इस जमीन पर था, अब चला गया यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या, इस ऑब्जेक्ट ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है विद रिस्पेक्ट टू दिस लैंड, चेंज कर ली ना। तो कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, मोशन में है, बिल्कुल कह सकते हैं मोशन में, ठीक है। ठीक है, सुनो अभी। हाँ आर्यन सुनो अभी, देखो ये एक हमारे पास गाड़ी है, ठीक है, ये हमारे पास एक गाड़ी है मान लीजिए, ठीक है। एक गाड़ी में क्या है, दो लोग बैठे हैं, एक यहाँ बैठा है और दूसरा यहाँ बैठा है और तीसरा यहाँ बैठा है। अब मुझे बताओ ए बी सी, क्या ये तीनों ही लोग क्या एक दूसरे के रिस्पेक्ट में क्या मोशन में है क्या? क्या गाड़ी तो जा रही है, गाड़ी इस तरह से आगे जा रही है, गाड़ी का स्पीड भी है यहाँ पर, मान लीजिए गाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इसके हिसाब से गाड़ी आगे जा रही है। तो ये तीनों पर्सन दिखाई दे रहे आपको, ए बी एंड सी, ये तीनों भी, ठीक है, ये तीनों भी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में है क्या? ठीक है, आर दे मोशन, मोशन में नहीं है। आप कैसे कह रहे हो मोशन में नहीं है, क्योंकि क्या हो रहा है कि एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये दोनों अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ना गाड़ी के पोजीशन में वो चेंज कर रहे हैं, ना एक दूसरे के, ठीक है, बिल्कुल एक दूसरे के पोजीशन के लिए वो अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, ना ही वो गाड़ी के रिस्पेक्ट में, इस व्हीकल के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं। तो इसका मतलब एक दूसरे को ये रेस्ट में है, ठीक है, इस गाड़ी के लिए भी ये क्या है, रेस्ट में है। लेकिन अगर हम बात करें इस रोड के लिए, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए एक ट्री है, ठीक है, इस तरीके से ये ट्री है मान लीजिए इस तरीके से, तब मुझे बताओ क्या इस ट्री के रिस्पेक्ट में ये तीनों पर्सन मोशन में है क्या? क्या ट्री के रिस्पेक्ट में ये तीनों पर्सन मोशन में है क्या? हाँ ट्री के रिस्पेक्ट में है, क्योंकि मान लीजिए ट्री के रिस्पेक्ट में ये अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना। पहले मान लीजिए ट्री और इनके बीच में मान लीजिए 5 मीटर का डिस्टेंस था, ये आगे चले गए तो डिस्टेंस बन गया 7 मीटर। तो इसका मतलब इन्होंने अपना पोजीशन चेंज किया ना, पोजीशन चेंज किया कि नहीं। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ट्री के रिस्पेक्ट में ये तीनों ही पर्सन क्या है, मोशन में है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में है तो ये मोशन में नहीं होंगे, कि मान लीजिए ये दोनों इस तरह से बैठे हुए हैं सीट पर एक दूसरे के, ठीक है, तो इन दोनों का जो भी डिस्टेंस होगा मान लीजिए 1 मीटर है, ठीक है, या फिर मान लीजिए 2 फीट है, तो क्या ये डिस्टेंस कभी चेंज होगा क्या? नहीं होगा। यानी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये मोशन में नहीं है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है, ऐसा हम समझ सकते हैं। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट, व्हेन द चेंज इन द पोजीशन ऑफ एंड द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग इज कॉल्ड द मोशन। कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को चेंज करता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मोशन, आसान भाषा में इसे हम मोशन कहते हैं, ठीक है। चलो कोई एग्जाम्पल यहाँ पर आज हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल बुक में दिया हुआ है द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, क्या वहां पर मोशन है? द फ्लाइट ऑफ द बर्ड, क्या वहां पर मोशन है बच्चों? बिल्कुल, फ्लाइट ऑफ द बर्ड, पंछी उड़ रहे हैं, इसका मतलब वहां पर क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है अ स्टेशनरी ट्रेन, क्या स्टेशनरी ट्रेन में वहां पर कह सकते हैं मोशन है? नामी है स्टेशनरी, वहां पर क्या दिया हुआ है, स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, रेस्ट में, तो वहां पर मोशन नहीं होगा, ठीक है। लीव्स फ्लाइंग थ्रू द एयर, जो लीव्स है ना, ठीक है, फ्लाइंग कर रहे हैं एयर में, उड़ रहे हैं, तो कह सकते हैं वहां पर क्या है, मोशन है। अ स्टोन लेइंग ऑन अ हिल,
अगर कोई स्टोन अगर किसी हिल पर रखा हुआ है तो क्या ये मोशन में होगा? क्या नहीं होगा? तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कैसी है? लिंग का मतलब क्या? रखा हुआ। लिंग का मतलब क्या है? वहां पर रखा हुआ है, ठीक है, वहां पर है, ठीक है। चलो चलो, हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर सारे कंसेप्ट क्लियर कर दिए, ठीक है। ये आपने सारी चीजें पढ़ी हुई है कि नहीं? बिल्कुल पढ़ी हुई है। चलो आज हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में, ठीक है। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बारे में तो देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है क्या एक्चुअल में, ठीक है। अभी डिस्टेंस क्या होता है, देखो द एक्चुअल पैथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। समझ लो आप क्या होगा, ठीक है। ये है हमारे ये पोजीशन और यहाँ पर है हमारी बी पोजीशन, ठीक है। तो हमें ये बी पर जाने के लिए रास्ता कुछ ऐसा है, ठीक है, और ये रास्ता लगभग है 20 किलोमीटर, ठीक है। ये है 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर डिस्टेंस का मतलब क्या होता है? द एक्चुअल पैथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। अगर कोई आदमी, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर इस तरीके से अगर चला गया इस रास्ते से, तो उसे कितना किलोमीटर चलना पड़ेगा? उसे 20 किलोमीटर चलना पड़ेगा बी तक जाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ना एक्चुअल पैथ, उस आदमी ने जो भी ट्रेवल किया है, एक्चुअल पैथ उसने जो भी फॉलोड किया है, ठीक है, यहाँ पर वो बन जाएगा हमारा डिस्टेंस। एक्चुअल पैथ, जो भी एक्चुअल पैथ होगा, जितना भी उसे ट्रेवल करना पड़ा, जितना ही उसे चलना पड़ा, ठीक है, तो इसे कहेंगे हम डिस्टेंस, ठीक है। अब क्या होगा, देखो अब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, मतलब यहां पर आपके पास दो पोजीशन है ए और बी, इन दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब हम स्ट्रेट चले जाएंगे, जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट जब स्ट्रेट चले जाएंगे, स्ट्रेट ना इधर घूमेंगे ना उधर घूमेंगे, जब हम स्ट्रेट जाएंगे तभी वो क्या हो सकता है, वहां पर मिनिमम डिस्टेंस हो सकता है, ठीक है। तो जो भी मिनिमम डिस्टेंस होगा इन दो ऑब्जेक्ट के बीच में, या फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में, तो इसे कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। और जो भी एक्चुअल पैथ, इस तरीके से जो भी एक्चुअल पैथ वहां पर ट्रेवल किया गया है, ठीक है, जो भी उस आदमी को चलना पड़ा है बी पर जाने के लिए, ठीक है, उसे कहते हैं हम डिस्टेंस। और दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, मिनिमम डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलो यहां पर देखो, अभी हाँ बिल्कुल सुनो, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है। विशाल सुनो अभी, अरे डिस्टेंस का मतलब क्या है, जो भी एक्चुअल पैथ फॉलो किया है वो वाला, ठीक है। सुनो अभी यहाँ पर एग्जांपल देखो, समझ में आएगा। यहाँ पर देखो शीतल एंड प्रशांत का हाउस यहाँ पर, ठीक है। तो इन दोनों को क्या करना है, स्कूल में जाना है, तो क्या करेगा, जो शीतल है वो क्या करेगी, संगीता के घर जाएंगी, ठीक है, 500 मीटर, ठीक है। फिर संगीता और शीतल क्या करेगी, फिर स्कूल चली जाएंगी। इसका मतलब उसे सबसे पहले 500 किलोमीटर चलना पड़ा, ठीक है, उसके बाद उसे 1200 मीटर चलना पड़ा, ठीक है। कुल अगर बात करें तो उसे 1700 मीटर चलना पड़ा, यहाँ पर चलना पड़ा ना। तो ये 1700 मीटर यानी जो भी एक्चुअल पैथ यहाँ पर शीतल ने ट्रेवल किया है, ठीक है, एक्चुअल पैथ वो कितना है हमारा, वो है 1700 मीटर, है ना, 1700 मीटर। तो इतना उसे वहां पर चलना पड़ा है, तो इसका मतलब ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस, ये बन जाएगा हमारा डिस्टेंस। लेकिन देखो जो प्रशांत है ना, वो प्रशांत क्या करेगा, इस तरीके से नहीं जाएगा, यानी पहले संगीता के घर और फिर स्कूल में, वो क्या करेगा, डायरेक्टली सीधा उसके हाउस से स्कूल चला जाएगा, ठीक है, यानी स्ट्रेट जाएगा, तो वो हो जाएगा स्कूल
और उसके घर का जो भी डिस्टेंस होगा, ये जो भी होगा वो क्या होगा, मिनिमम होगा ना डिस्टेंस, तो जो भी मिनिमम यहाँ पर डिस्टेंस होगा ठीक है हाउस का और स्कूल का, वो कितना है यहाँ पर, वो है हमारा 1300 मीटर। ठीक है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एक्चुअल पाथ फॉलोड बाय द बॉडी बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट दैट इज द डिस्टेंस। ठीक है, ओके चल। कौन सा आंसर दुर्गा, कौन सा आंसर, एक बार मुझे क्वेश्चन क्या था, एक बार क्वेश्चन मुझे बताओ। ठीक है, हो सकता है कि वहां पर थोड़ा सा आंसर में दिक्कत हो, ठीक है, तो हो सकता है कि वहां पर आंसर गलत सेट किया गया हो, ठीक है, सो डोंट वरी। चलो ओके, चलो देखो अभी यहां पर, हाँ दुर्गा अभी वो तो सबका गलत हुआ होगा ना, सभी का गलत हुआ होगा, यानी सबका आंसर वहां पर गलत हुआ होगा, तो जान दे दो, तो जाने दो, सबका है कि सबका जाएगा, एक एक मार्क आपका थोड़ा जाएगा, सबका जाएगा। ठीक है, जिन्होंने भी सही दिया है तो मैक्सिमम बच्चे सही देते हैं। ठीक है चलो, अभी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, देखो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, यानी दो पॉइंट है, इन दोनों के बीच में जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कब होगा, जब हम स्ट्रेट ट्रेवल करेंगे तभी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब जो भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा उसे कहेंगे हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है चलो, अभी देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें हैं, सब ध्यान दो इधर। अभी देखो, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ना वो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी मान लीजिए अगर आप डिस्टेंस, ये हमेशा पॉजिटिव कैसा होगा, मान लीजिए आप यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर बी है, तो आप यहाँ पर देखो, मान लीजिए ये दो दो पॉइंट है, आप इस तरीके से यहाँ पर स्टार्ट हुए, इसे घूमते रहे घूमते रहे घूमते रहे और फिर उसी पॉइंट पे आ गए, तो या ठीक है आ गए ना, तो क्या होगा, अगर आप उसी पॉइंट पर आ गए, इनिशियल पॉइंट और आपका फाइनल पॉइंट सेम है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा, पता है, लेकिन डिस्टेंस नहीं होगा। डिस्टेंस यहाँ पर क्या होगा, जो भी आपने एक्चुअल पाथ फॉलोड किया है ना, इसका जो भी, ठीक है, इसका जो भी वैल्यू होगा वो होगा आपका डिस्टेंस। समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ, तो क्या होगा, डिस्टेंस हमेशा ही पॉजिटिव रहेगा, डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं रहेगा और ना ही जीरो रहेगा। ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। ठीक है, इन चीजों को समझ लो। उसके बाद डिस्टेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट, अगर जो डिस्टेंस होता है ना, ये क्या होता है, ये हमेशा ही इक्वल और ग्रेटर देन, ठीक है, जो डिस्टेंस होता है ना वो क्या होता है, इक्वल और ग्रेटर देन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मतलब वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है डिस्टेंस, या फिर उससे ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अभी जीरो का मतलब क्या है देखो, ठीक है, जीरो का मतलब क्या है देखो, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पर बी पॉइंट है, ठीक है, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से मैंने अगर स्टार्ट कर दिया बी की तरफ, ठीक है, और बी से मैं फिर से वापस आ गया, बी से फिर से वापस आ गया मैं ए पर, यानी हमारा इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट सेम है ना, सेम इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट, ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा जीरो, ठीक है, ये बन जाएगा हमारा जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो अभी डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल, अब जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये क्या होता है देखो, ये जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना, ये हमेशा लेस देन होता है या फिर इक्वल टू द डिस्टेंस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट लेस देन, एक चीज ध्यान रखो, लेस देन और इक्वल टू द डिस्टेंस होता है, और डिस्टेंस की बात करें तो इक्वल टू और ग्रेटर देन द डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको याद रखना है, ठीक है, ठीक है, अगर जिसको भी स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो। चलो अब बात करेंगे हम स्पीड के बारे में, ठीक है, स्पीड के बारे में देखो, अभी स्पीड क्या होता है,
द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड स्पीड। यानी कोई भी बॉडी अगर यूनिट टाइम में, यानी किसी टाइम में, मान लीजिए एक मिनट में, दो मिनट में, किसी भी यूनिट टाइम में, ठीक है, यूनिट टाइम में अगर डिस्टेंस कवर्ड करता है तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम स्पीड कहते हैं। ठीक है, समझो, ये जो स्पीड होता है ना, ये स्पीड रिलेटेड होता है, ये स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से। ठीक है, बताऊंगा बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा, एक मिनट ना, ये टॉपिक होने के बाद बताऊंगा। ठीक है, अभी सुन रही वाला वो भी बताऊंगा, पहले एक मिनट ना बताऊंगा सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, सारी चीजें बताऊंगा, डोंट वरी। ठीक है, जो स्पीड होता है ना, ये क्या होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। ठीक है, ये क्या होता है, डिस्टेंस से रिलेटेड होता है। समझ में आ गया क्या कह रहा हूं? ठीक है, और जो वेलोसिटी होती है ना, हमारी वेलोसिटी होती है ना, वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी होती है हमारी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड। ठीक है, चलो चलो, अब किसी ने पूछा था मुझे यहां पर, क्या पूछा था, अभी एक मिनट, ओके चलो, क्या पूछा था कि क्या नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट पूछा था ना, हाँ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बिल्कुल, यह वेलोसिटी का फार्मूला है, बिल्कुल वेलोसिटी का फार्मूला है। ठीक है, बिल्कुल, अभी देखो हम बात कर रहे थे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर हमारा ए ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर हमारा बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, देखो, ठीक है, दो ऑब्जेक्ट है हमारे। ठीक है, अभी देखो ये दोनों ऑब्जेक्ट क्या अलग अलग जगह पर है। ठीक है, अब मान लीजिए यहां से यहां तक इस ऑब्जेक्ट ने देखो क्या किया है, कुछ अंतर कवर किया है कि नहीं किया है, बिल्कुल किया है। ठीक है, तो ये कवर किया है ना। ठीक है, अगर इसका हम डिस्प्लेसमेंट पूछे तो क्या होगा, इन दोनों का डिस्टेंस जितना भी होगा, ये बन जाएगा हमारा पॉजिटिव, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट बन जाएगा। समझ में आ गया, ये क्या बन जाएगा हमारा, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट, ये समझ में आ गया। ठीक है, समझो, अभी अभी नेगेटिव थोड़ी सी अलग चीज है। ठीक है, अभी ये तो देखो जो डिस्प्लेसमेंट है, ये क्या, एक लेंथ है, हम पॉजिटिव कह सकते हैं, जीरो कह सकते हैं, लेकिन नेगेटिव का थोड़ा कंसेप्ट अलग है, नेगेटिव का थोड़ा कंसेप्ट अलग है। ठीक है, सुनो, अभी नेगेटिव का कंसेप्ट कैसा है, देखो ये हो गया, अब हम यहां से यहां तक गए, इसका मतलब ये पॉजिटिव हो गया। ठीक है, जब जब यही ऑब्जेक्ट क्या होगा, जब फिर से वापस आएगा ए पर, ठीक है, बी ये ऑब्जेक्ट, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए ये बी है, ठीक है, ये वाला ऑब्जेक्ट फिर से आ जाएगा ए पर, ठीक है, तो दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बन जाएगा जीरो, बन जाएगा ना, जीरो डिस्टेंस बन जाएगा कि नहीं। ठीक है, तो इसे हम करते हैं जीरो डिस्प्लेसमेंट, इसे क्या कहते हैं हम, जीरो डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, इतना दोनों चीजें समझ में आ गई क्या, पॉजिटिव और जीरो। अब देखो नेगेटिव क्या होता है, असल में नेगेटिव थोड़ा सा अलग होता है। ठीक है, नेगेटिव थोड़ा सा अलग है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, यहां से यहां चला गया था, मतलब देखो ऑब्जेक्ट ए पर था, बी पर चला गया, तो ये बन गया हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट। और ये ऑब्जेक्ट फिर से, ये ऑब्जेक्ट अगर फिर से अगर इस तरीके से वापस आ गया, लेकिन मान लीजिए थोड़ा ही आ गया, थोड़ा ही आ गया, ठीक है, थोड़ा ही आ गया, पूरा नहीं आया, पूरा आ जाएगा तो क्या होगा, जीरो होगा, पूरा आ जाएगा तो जीरो डिस्प्लेसमेंट होगा, ये मान लीजिए आधा ही आ गया। ठीक है, तो जो भी देखो जो भी जो फाइनल पोजीशन थे ना, वहां से फाइनल पोजीशन थी ना, वहां से जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना फाइनल पोजीशन से, तो इसे हम एज अ नेगेटिव कंसिडर करते हैं, एज अ नेगेटिव कंसिडर करते हैं। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, थोड़ा सा अगर पूरा आ जाएगा तो ये जीरो बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये कंसेप्ट अलग है, पूरा आ जाएगा, ठीक है, पूरा आ जाएगा तो जीरो बन जाएगा, उसी पर आ गया तो। ठीक है, लेकिन नेगेटिव का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, नेगेटिव का क्या है, ये बी से थोड़ा सा ही वापिस आ गया। ठीक है, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पहले था, थोड़ा सा आ गया, मान लीजिए ये 10 मीटर है, तो मान लीजिए 3 मीटर ये इधर आ गया, तो क्या हो गया, जो भी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट था ना हमारा, ये वाला पॉजिटिव,
ठीक है, उससे नेगेटिव आ गया ना, पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट से क्या हो गया, और नेगेटिव आ गया। समझ में आ रहा है ना, हम इधर चले गए मतलब पॉजिटिव हो गया, ठीक है, और फिर से उसे पोजीशन पर आ गए तो जीरो हो गया, ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा आ गए 3 मीटर आ गए, तो इसका मतलब क्या हो गया, हम पॉजिटिव के थोड़ा सा इधर आ गए। समझ में आ रहा है ना, और ये इसे हम नेगेटिव कहते हैं, इसे हम नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। असल में नेगेटिव डिस्टेंस होता नहीं है, असल में नेगेटिव डिस्टेंस होता नहीं है, ठीक है, जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिस्टेंस है, ठीक है, समझो, ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है। चलो चलो, हम बात कर रहे थे यहाँ पर स्पीड के बारे में। अभी स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द स्पीड, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं, ठीक है। यानी कोई भी डिस्टेंस अगर कवर करता है इन यूनिट टाइम में, कोई भी डिस्टेंस अगर कवर करता है यूनिट टाइम में, तो इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं इसे हम, तो इसे हम स्पीड कहते हैं। अभी स्पीड का फार्मूला है क्या, स्पीड का फार्मूला है क्या, तो स्पीड किस तरह से हम वहां पर कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरीके से, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल, कितना डिस्टेंस हमें ट्रेवल किया है, अपॉन टाइम रिक्वायर्ड, और उसको टाइम कितना लगा, ठीक है, इसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, स्पीड को फाइंड आउट कर सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम के जरिए, ठीक है, समझो। अभी उसके बाद देखो, उसके बाद इसका यूनिट क्या होगा, इसका यूनिट क्या होगा, एक मिनट बच्चों, इसका यूनिट देखो, जो भी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है ना, उसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हम ट्रेवल करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस क्या करते हैं, हम मीटर में मेजर करते हैं, ठीक है, मीटर में, जैसे यूनिट में, ठीक है, और जो भी टाइम होता है, टाइम करते हैं हम सेकंड में, तो हमारा यूनिट बन जाएगा मीटर पर सेकंड, टाइम क्या बन जाएगा हमारा, मीटर पर सेकंड। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है सारी चीजें, ठीक है। चलो ओके, ये समझ में आ गया, स्पीड स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, ये समझ में आ गए। चलो आसान चीज है, ठीक है, ढेर सारे बच्चे कह रहे कि सर ये सारा हमारा हो गया था, ठीक है, सारा हो गया है, ये पहला लेसन है, और मैक्सिमम बच्चों को तो ये समझ में नहीं आ रहा कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, ऐसा कैसे चलेगा बच्चों, ठीक है, आप बताते हो कि सर सारा हो गया और यहाँ पर आप कुछ नहीं करते, ऐसा चलेगा क्या, ठीक है, नहीं चलेगा। चलो आप देखो, वेलोसिटी क्या होती है, ये जो वेलोसिटी होती है ना, ये रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से, किससे रिलेटेड होती है, डिस्प्लेसमेंट। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज की कोई वैल्यू होती है ना, वैल्यू होती है कि नहीं, अगर हम बात करेंगे लेंथ की, तो लेंथ की कुछ वैल्यू होगी कि नहीं, ठीक है, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, कुछ वैल्यू होगी कि नहीं। अगर आप चक्कर लेने जाओगे तो क्या कहोगे, सर क्या कहोगे, मुझे 2 किलो शक्कर चाहिए, तो ये दो, ये जो वैल्यू है ना, इसे हम मैग्नीट्यूड कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, हम मैग्नीट्यूड कहते हैं। ओके, समझ में आ गया, ओके। चलो अभी देखो, जो भी देखो, अभी जो भी वेलोसिटी होती है ना, ये रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से, और स्पीड होती है डिस्टेंस से, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देखो, डिस्प्लेसमेंट इज ऑकर्ड इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द वेलोसिटी, जो भी डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में होता है, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। मान लीजिए कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ है, ठीक है, देखिए 5 सेकंड में, ठीक है, 5 सेकंड में अगर 25 मीटर अगर हम चले गए, 5 सेकंड में अगर हम 25 मीटर चले गए, तो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, 25/5 इक्वल टू कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकंड, ये हो जाएगी हमारी वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी यहाँ पर देखो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है, यानी हम 1 सेकंड में 5 मीटर यहाँ पर चले, ऐसा इसका अनुमान हो गया। तो देखो, इसका यूनिट भी वही हो जाएगा जो कि स्पीड का था, स्पीड का यूनिट क्या था, मीटर पर सेकंड था, और इसका भी वही होगा, मीटर पर सेकंड। अभी क्यों होगा, देखो, जो डिस्प्लेसमेंट है, इससे भी हम क्या करते हैं, मीटर में ही मेजर करते हैं, और टाइम को भी क्या करते हैं, हम
सेकंड में भी मेजर करते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका यूनिट भी वही हो जाएगा, ठीक है, जो स्पीड का था मीटर पर सेकंड। और जो वेलोसिटी होती है ये रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से। चलो समझो आप कुछ चीजें यहां पर। स्पीड का फार्मूला मैंने बताया था ना आपको, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम ही हो गया स्पीड का, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो गया वेलोसिटी का, बस इतनी चीज याद रखो। देखो अभी द यूनिट ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, अभी हमने पढ़ा, ठीक है, स्पीड का और वेलोसिटी का दोनों का भी यूनिट सेम है, मीटर पर सेकंड, याद रखो। द एसआई यूनिट, द यूनिट, ठीक है, मीटर पर सेकंड, व्हाइल इन द सीजीएस सिस्टम इट सेंटीमीटर पर सेकंड। देखिए अगर हम एसआई यूनिट में बात करें तो मीटर पर सेकंड है, ठीक है, सीजीएस यूनिट में अगर बात करें, सीजीएस में उसमें क्या है, सेंटीमीटर पर सेकंड है, ठीक है, सेंटीमीटर पर सेकंड, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, खासकर आपको एसआई यूनिट ही ध्यान में रखना है, ठीक है, क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो अभी जो स्पीड है ना इज रिलेटेड टू द डिस्टेंस, व्हाइल द वेलोसिटी इज रिलेटेड टू द डिस्प्लेसमेंट, हमने पहले पढ़ा है, जो स्पीड होता है वो रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, और जो वेलोसिटी होती है वो रिलेटेड होती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अभी देखो इफ द मोशन इज इन द स्ट्रेट लाइन, अगर मोशन अगर स्ट्रेट लाइन में होगा तो वैल्यू ऑफ द स्पीड एंड वेलोसिटी आर द सेम, ठीक है। सुनो अभी हमें एक चीज पता है कि स्पीड रिलेटेड होता है डिस्टेंस से, ठीक है, और वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट से, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, ठीक है, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें सेम कब होगी, दोनों ही चीजें सेम कब होगी, चलो बताओ मुझे, दोनों ही चीजें सेम कब होगी। मैं बोल रहा हूं कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, और डिस्टेंस, ये दोनों चीजें सेम कब होगी, कब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, बिल्कुल कब होगी, जब ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट, ऑब्जेक्ट क्या करेगा, स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, कैसा करेगा, इन अ स्ट्रेट लाइन, जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करेगा तो क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सेम होगा। अगर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होगा तो क्या मुझे बताओ वेलोसिटी और स्पीड भी सेम होगा क्या, बिल्कुल वेलोसिटी और स्पीड क्या होगा, सेम होगा, ओके, ये क्लियर है, सेम होगा ना निकिता, क्योंकि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो वेलोसिटी और स्पीड सेम क्यों नहीं होगा, ठीक है, मान लीजिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है, देखो अभी कैसे, ठीक है, एक आदमी ए से बी चला गया, ठीक है, ठीक है, कितने सेकंड में चला गया, मान लीजिए वो 5 सेकंड में चला गया, ठीक है, 5 सेकंड में चला गया, और ये जो डिस्टेंस है ना ये मान लीजिए 30 मीटर है, यानी 5 सेकंड में वो चला गया 30 मीटर, तो यहां पर मुझे बताओ डिस्टेंस कितना है, यहां पर डिस्टेंस कितना है मुझे बताओ, चलो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 30 है, सही है, ठीक है। अब मुझे बताओ यहां पर डिस्प्लेसमेंट कितना है, थर्टी है, मतलब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों चीजें सेम है, ठीक है। तो हम बात करते हैं अभी फार्मूले की, फार्मूला क्या होता है स्पीड का, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, डिस्टेंस कितना है 30, टाइम कितना है 5, ठीक है, 5 6 30 मजी तो 6 ही, ठीक है, मुझे 6 मीटर पर सेकंड आले कि नहीं, आलेगा, आ गए कि नहीं 6 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो यहां पर देखो अभी डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, ठीक है, तो वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फार्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट कितना है 30, टाइम कितना लगा है 5 सेकंड, अगर डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, वही आएगा, यानी देखो हमारा स्पीड भी उतना है और डिस्प्लेसमेंट भी उतना है, ठीक है, निकिता समझ ली नहीं,
ओके निकेत आता लक्ष द्या, लास्ट आता लास्ट सांगतोय मी, ठीक आहे ठीक आहे, लास्ट सांगतोय आता एकदा लक्ष दे, ठीक आहे चल आता लक्ष दे इकडं, ठीक आहे. ज्या वेळेस ऑब्जेक्ट या ए वरन बी वर गेला, स्ट्रेट डायरेक्शन मध्ये गेलाय तो, गेलाय ना मारिया. अगर स्क्रीन अगर व्हाइट है तो एक बार रिफ्रेश करो, ठीक है, एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो. मारिया अगर स्क्रीन अगर व्हाइट है तो एक बार एग्जिट करो और फिर से ज्वाइन करो. ओके ओके चलो ओके सुनो, अभी यहां पर सुनो, एक एक चीज समझो. अभी देखो एक ऑब्जेक्ट ए पर था तो ये बी पर चला गया, स्ट्रेट डायरेक्शन में गया, तो इसका मतलब यहां पर क्या होगा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होगा. क्योंकि यहां पर देखो दोनों, जब भी कोई ऑब्जेक्ट जब स्ट्रेट डायरेक्शन में ट्रेवल करता है, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है ना, सेम होता है. अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम है तो अगर हम इसको अगर 5 से डिवाइड कर देंगे, इसे अगर 5 से डिवाइड कर देंगे अकॉर्डिंग टू द वेलोसिटी एंड स्पीड फार्मूला, ठीक है, कर देंगे तो क्या आएगा, 6 मीटर पर सेकंड आएगा ना, यहाँ पर भी 6 मीटर पर सेकंड आएगा. तो इसका मतलब यहाँ पर जो भी स्पीड होगा और जो भी वेलोसिटी होगी दोनों ही यहाँ पर सेम होने वाली है, ठीक है. इन चीज को अभी समझो, ठीक है चलो. ठीक है चलो, अब देखो यहां पर इफेक्ट ऑफ स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी क्या होने वाला है, ठीक है सुनो. अभी एक बार मैं क्या करूं, हाँ निकिता नविबा, ठीक है एक बार मैं क्लियर कर लूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक एक चीज फिर से बताऊंगा, ठीक है. आप मुझे यहाँ पर हैंड भी राइज कर सकते हो, मैं आपसे बात भी करूंगा, ठीक है. सबसे पहले मैं एक चीज क्लियर करूं, ठीक है, उसके बाद मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है. लास्ट वाला पॉइंट है, ठीक है, लास्ट वाली स्लाइड है, अभी एक दो स्लाइड है उसके बाद बात करूंगा, ठीक है. यानी अकबर एक बार मैंने पढ़ा दिया तो जो बाकी के बच्चे हैं ना वो बोर नहीं होंगे, जिनको सारी चीजें समझ आ रही है, ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है. देखो अभी द इफेक्ट ऑफ द स्पीड एंड डायरेक्शन ऑन वेलोसिटी, ठीक है, यानी जो भी स्पीड है और जो भी डायरेक्शन है इन दोनों का वेलोसिटी पर क्या चेंज होने वाला है, ठीक है. एक चीज को समझो, अभी एक चीज को समझो, ठीक है, ठीक है. अगर स्पीड अगर कम ज्यादा हो गया तो क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी. समझो अभी स्पीड अगर चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होगी. अगर डायरेक्शन भी चेंज हो गया, इसको ध्यान में रखो, स्पीड और वेलोसिटी या फिर दोनों ही चीजें अगर चेंज हो गई तो क्या होगा, तो वेलोसिटी भी चेंज होगी. क्या होगा, वेलोसिटी भी क्या होगी, चेंज होगी. इस चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है. स्पीड चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज, डायरेक्शन चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज, दोनों ही चीजें हो गई तो वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है. समझ में आ रहा है, समझ में आ गया, इतना समझो, इतना याद ही रखो, ठीक है चलो. चलो अब देखो यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन होता क्या है. देखो द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, यानी कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में एंड इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है. इंटरवल्स मीन्स क्या है, इंटरवल्स का मतलब क्या है कि इक्वल इंटरवल्स, यानी 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद 5 मिनट बाद, ठीक है, ऐसा टाइम को हमने क्या किया, इस तरह से हमने उसके पार्ट किए, ठीक है, 5 मिनट 5 मिनट 5 मिनट, इस तरीके से. सुनो अभी, ठीक है, एक आदमी है वो क्या कर रहा है, 5 मिनट में, एक आदमी क्या कर रहा है, 5 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रहा है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो फिर से 2 किलोमीटर चला गया, और नेक्स्ट 5 मिनट में वो फिर से 2 किलोमीटर चला गया. इसका मतलब क्या है,
वो फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम में, मतलब वो हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है, वो हर 5 मिनट में 2 किलोमीटर जा रहा है ना। तो इसका मतलब क्या है, वो इक्वल टाइम में यानी 5 मिनट में इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, मतलब 2 किलोमीटर। समझ रहा है ना मैं क्या कह रहा हूं, यानी 5 मिनट में वो 2 किलोमीटर जा रहा है, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है ना। तो ये बन जाएगा हमारा यूनिफॉर्म मोशन, इसे क्या कहेंगे हम, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो समझ में आ गया, बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस कवर्ड करेगा वो इक्वल टाइम में, इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम, यूनिफॉर्म मोशन। समझ में आ गया, चलो अब देखो, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, द मोशन इन विच द ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस, अनइक्वल नॉट इक्वल, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखो यानी 5 मिनट में वो चला गया मान लीजिए 2 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में वो चला गया 3 किलोमीटर, ठीक है, नेक्स्ट 5 मिनट में वो चला गया 4 किलोमीटर, नेक्स्ट 5 मिनट में वो चला गया 1 किलोमीटर। यानी यहां पर क्या हो रहा है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में मतलब हर 5 मिनट में वो अलग अलग डिस्टेंस यहां पर कवर्ड कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, अलग अलग डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है। इसका मतलब देखो यहाँ पर 2 किलोमीटर किया, बाद में उसमें 3 किलोमीटर किया, नेक्स्ट 5 मिनट में उसने 4 किलोमीटर किया। तो इस तरीके से वो अलग अलग डिस्टेंस कवर कर रहा है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो इसे कहेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसे क्या कहेंगे हम, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, तो ये सारी चीजें थी, और जिसको भी नहीं समझा है तो बाद में फिर से वीडियो को देख लेना। ठीक है, इतनी आसान चीजें, यूनिफॉर्म मोशन अगर आपको नहीं समझ में आता है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, इससे ज्यादा मैं कोई चीज नहीं बता सकता बच्चों। ठीक है, अगर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि इक्वल टाइम में अगर वो इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है, इक्वल टाइम में अगर इक्वल डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है तो ये यूनिफॉर्म मोशन हो जाएगा। इसमें अलग डिफिकल्ट बात क्या है, इसमें ऐसी डिफिकल्ट बात क्या है यार, कुछ नहीं है यार, फिर भी नहीं समझ रहा है तो यार। ठीक है, तो फिर से एक बार देख लेना आप। ठीक है, चलो चलो एमसीक्यू लेना है, एमसीक्यू लेना है क्या बच्चों, चलो चलो जस्ट मिनट, एमसीक्यू लेंगे। एक मिनट बच्चों, चलो बहुत बढ़िया। देखो जो फैक्टर होता है ना, फैक्टर कॉजेस चेंज इन वेलोसिटी, मैंने क्या कहा था, ठीक है, जो वेलोसिटी चेंज होती है ये किसके वजह से होती है, सबसे पहले डायरेक्शन चेंज हो गया तो, ठीक है, अगर डायरेक्शन चेंज हो गया तो वेलोसिटी चेंज होती है।
उसके बाद मैंने कहा था उसका स्पीड, स्पीड इज नथिंग बट द मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी मैग्नीट्यूड अगर चेंज हो गया, ठीक है, यानी स्पीड अगर मान लीजिए 30 मीटर पर सेकंड था, वो बन गया 25 मीटर पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड चेंज हो गया ना। अगर मैग्नीट्यूड भी चेंज हो जाएगा तो क्या होगा, वहां पर वेलोसिटी चेंज होगी, ठीक है। और एक चीज को समझो, ठीक है, जो हमारा देखो जो स्पीड है ना, ये स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि इसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है, ठीक है, और जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के पास क्या है, वेलोसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों ही चीजें लगती है, तो इसलिए वेलोसिटी बन जाएगी हमारी स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। चलो, मैंने पहले कहा था आपको जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर 82% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, सो कांग्रेचुलेशन बच्चों यहाँ पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, समझ न समझने वाली बात क्या है, ठीक है, जेडपी में पढ़ते हो क्या बच्चों, समझ नहीं आ रहा इसमें ना समझने वाली बात है क्या यार। बहुत बढ़िया, मीटर पर सेकंड, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, बहुत बढ़िया, 94% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, आसान था ना बच्चों। चलो, जो हमने आज पढ़ा है उस पर ही क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों ने यहाँ पर सही दिया है, 89% बच्चों ने सही दिया है, लेकिन 11% बच्चों ने फिर भी गलत किया है, ठीक है। अभी इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता है, ठीक है, क्लास 9 के लिए बच्चों के लिए इससे आसान तो क्वेश्चन हो ही नहीं सकता, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है, बिल्कुल 95% बच्चों ने बिल्कुल सही दिया है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, बहुत बढ़िया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, ठीक है, इफ द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस बाय द इक्वल अमाउंट, ठीक है, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम्स, ठीक है, अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, इक्वल, तो उसे हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहेंगे। असल में ये तो नेक्स्ट वाला पॉइंट था, लेकिन आज ही यहाँ पर मैंने ले लिया, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलो ओके, चलो बच्चों आज के क्वेश्चन हमने यहाँ पर देख लिए, हमारा समय पूरा हो चुका है, ठीक है। ठीक है, चलो चलो, गुड बाय, कल मिलेंगे इसी समय पे, ठीक है, चलो बाय।